प्रार्थना ईश्वर से की गई है। उसमें ये दो बच्चों ने कहा है कि सूरज से हमें स्वच्छ दृष्टि और प्रकाश प्रदान करे, उसी तरह हमें तुच्छ विचार दुर्विचार से दूर रखे। वैसे ही हमारे बंधु माता पिता इन सब के लिए हमारे मन में हमेशा आदर रहे और शक्ति और आलोक तुम्हारा हम उतार ले निज दर्पण में। मतलब ईश्वर से जो भी हमें शक्ति मिलती है आलोक मिलता है वो पूरा हमें अपने अंदर अपने विचारों में उतार लेना चाहिए। तो बच्चों इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़िए समझिए और इसके प्रश्नों के उत्तर जो आपको दिए गए हैं उसके उत्तर लिखिए और इसके साथ जो भी आपको वर्कशीट दी हुई है उसको बहुत अच्छे से याद करिए लिखिए और समझ लीजिए। धन्यवाद।